Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a poem from your first flight book, Standard 10. The name of the poem is Amanda and it is written by Robin Klein. There are two perspectives in the poem. The first is of the parents, how they want the children to behave. And second is of the child, how does he feel when he is scolded all the time. So let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Hunch, yani bending in forward position. Koond nikal ke chalna ya baitna. Slouching, yani dhile dhale hoke lazily baitna. Humme se kaafi saaron ke ko aadat hoti hai nail biting ki, which is a very bad habit and it is unhygienic also. So, Amanda bhi apne nails bite kar rahi hogi, tab uski mom usse kehti hai ki Amanda, don't bite your nails. Hamara body posture kaisa hona chahiye? It should be straight from the back, right? Agar hum aage ki aur jhuk ke chalenge ya baithenge, to achha nahi dikhega. So, again Amanda ko toka jata hai ki don't hunch your shoulders, aise koond nikal ke mat baitho. हमें बैठना भी ठीक से ही चाहिए, झुक के या आलस में नहीं बैठना चाहिए. सो मदर अमेंडा को वापस टोकती है कि ठीक से बैठो, ऐसे लेजीली एंड झुक के मत बैठा करो. डोंट स्लाउच, सिट प्रॉपरली. आगे हम देखते हैं कि जब अमेंडा को डांट पड़ रही थी तब वो क्या सोच रही थी. सो देयर इज अ लिंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. लिंग्विड यानी रिलैक्स्ड, एमरल्ड यानी ग्रीन कलर का प्रेशियस जेम जिसे हम पन्ना भी कहते हैं, इनहेबिटेंट यानी वहां का रहने वाला, मरमेड यानी जलपुरी, एंड ड्रिफ्टिंग यानी स्लो एंड स्टेडी मोमेंट. सो देयर इज अ लिंग्विड एमरल्ड सी यानी एकदम रिलैक्स्ड हरे रंग के पानी वाली सी हो जहां सिर्फ मैं ही रहने वाली हूं. आई एम द सोल इनहेबिटेंट वेयर मरमेड बहुत खुश होके हैप्पीली इधर उधर तैर रही हो. सो यहाँ अमेंडा की मदर उसे डांट रही है एंड अमेंडा वॉन्टेड टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट. एंड वो ऐसा सोच रही है कि एक शांत सा हरे रंग का समंदर हो जहां सिर्फ मैं ही रहती हूँ, मैं एक जलपरी हूँ एंड मैं खुशी से इधर उधर जहां चाहूँ घूम सकती हूँ. सो अमेंडा ये सोच रही है जब उसकी मदर उसे डांट रही थी. आगे देखते हैं, अब उसकी मॉम अगेन उसे कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. अब यहाँ उसकी मॉम कह रही है कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, मुझे लगा कि तुम्हें मैंने अपने शूज साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने अपने शूज साफ किए. सो ऑल दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स जो ज्यादातर मॉम अपने बच्चों को कहती होती है. अगर देखा जाए तो ये सब करने से हम में एक रूटीन डेवलप होता है एंड दीज आर ऑल गुड हैबिट्स, बट हमें टीनेज में ये सब पसंद नहीं होता है एंड वी थिंक दैट दे आर इंटरफियरिंग इन अवर लाइफ. नाउ मॉम जब अमेंडा को ये सब कहती है तब अगेन अमेंडा अपनी दुनिया में खो जाती है. वो सोचती है कि आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. Often yani anath, hushed yani quiet, roaming yani to move aimlessly. Now yahan Amanda itni pareshan ho gayi hai apne mom ke bar bar tokne ki wajah se ki use bahut zyada dukh hota hai and usme jaise rebellious feeling aa gayi ho. Wo sochne lagti hai ki isse to acha hota agar main anath hoti, main aaram se street mein idhar udhar khule paon ghoom sakti and dust mein apne pairon se pattern banati jaise hum beach pe banate hain. Now, आगे वो सोचती है कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट बिकॉज उसकी मदर उसे हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है, स्कोल्ड करती है, टोकती रहती है. सो हमेशा आवाज आती रहती है. सो शी फील्स कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम यानी सब रोक टोक से मुक्ति एंड दैट इज वाई शी फील्स कि काश मैं ऑर्फन होती तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, हर जगह शांति होती एंड मैं जो चाहूं जैसा चाहूं कर सकती. Now again उसकी मॉम कुछ कह रही है, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. सो यहाँ उसकी मॉम उसे चॉकलेट खाने से रोकती है क्योंकि उसके चेहरे पे काफी पिंपल्स दिख रहे हैं. वो उसे ये भी कहती है कि मैं जब बात करूँ तो मेरी तरफ देखा करो. ज्यादातर बच्चे अपनी मॉम की बात सुनने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वे सोचते हैं कि मॉम तो बोलती रहती है एंड दे डोंट लुक एट हर,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो अमेंडा इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एंड इसकी वजह से उसकी मदर को बड़ा गुस्सा आता है. नाउ अगेन अमेंडा अपनी दुनिया में खो जाती है एंड शी थिंक्स कि आई एम रैपुंजल, आई एम नॉट अ केयर. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. ट्रैंक्विल यानी काम, रेयर यानी ऑल अलोन, जहां आसपास कोई ना हो. रैपुंजल एक फेरी टेल की कैरेक्टर है. उसके बाल बहुत लंबे, खूबसूरत एंड गोल्डन कलर के हुआ करते थे. उसे एक विच ने एक टावर में कैद करके रखा था एंड उसके लंबे बालों की मदद से वो विच टावर के ऊपर चढ़कर उसके पास आती थी. अब यहाँ अमेंडा अपने आप को रैपुंजल समझती है एंड कहती है कि मैं किसी की परवाह नहीं करती. वो चाहती है कि रैपुंजल की तरह उसे भी टावर में रहने का मौका मिले, क्योंकि ऊपर आने का रास्ता ही नहीं है तो एकदम शांति होगी, कामनेस होगा एंड वहां पे रेयरली कोई आता होगा. सो मुझे वहां पे पीस एंड कामनेस मिलेगी. आगे वो कहती है कि आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, क्योंकि उन बालों के जरिए रैपुंजल के पास वो विच आती थी, राइट? तो अमेंडा सोचती है कि मैं मेरे बालों को कभी लेट डाउन नहीं करूंगी, नीचे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके जरिए कहीं उसकी मॉम आ गई तो उसकी शांति एंड लोनलीनेस दोनों खत्म हो जाएंगे. नाउ अगेन अमेंडा की मॉम कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ट एट यू अमेंडा. सल्किंग यानी टू बी अपसेट, उदास सा चेहरा बनाना. नेक्ट यानी स्कोल्डेड. सो अमेंडा की मॉम उसे कहती है कि ऐसे सल्क करना बंद करो, ऐसा उदास सा चेहरा बना के बैठना बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हें देखकर किसी को लगेगा कि मैंने तुम्हें अच्छे से डांट लगाई है. दिस इज द एंड ऑफ द पोयम. द पोयम टेल्स अस हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ यंग गर्ल टू ग्रो अप. इन चाइल्डहुड वी आर हैप्पी टू लिसन टू फेरी टेल्स एंड वी डोंट केयर फॉर एनीबडी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट रियालिटी. Girls are especially expected to behave in a certain way. So when Amanda's mother tries to restrict her, she wants to be free and independent. She wants to live by herself, as the presence of anyone in her life would require her to act in a certain way. Now, upbringing plays an important role in the life of an adult. To instill good values and principles in a growing child is the foremost duty of the parents. Every child is special in itself and it requires a great deal of patience and love to make them understand this. Children learn through experience. One cannot teach their child everything in one day. Growing up of child should not be about do's and don'ts only. Nagging parents should understand that judging every action of a child would do more harm than good. Amanda's mother doesn't understand that she is innocent and is too small to understand the benefits of advice. And lastly, I think each and every teenager would like to give this message to their parents. Dear mom and dad, you were also teens once, so please let me enjoy my teen years and stop nagging. Sincerely, every teen.